आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन पर कोई कॉल आता है और कॉल डिस्प्ले पर शो नहीं हो रहा है बट कॉल रिंग होता है तो इसे ठीक कैसे करें। तो इसे ठीक करने के लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आएगा यहाँ पे ऐप्स, ऐप्स पे क्लिक करिए। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद ऊपर आएगा मैनेज ऐप्स, तो मैनेज ऐप्स पे क्लिक करिए। ये मैनेज ऐप्स आपके फ़ोन में ऐप मैनेजर या फिर ऐप मैनेजमेंट नाम से हो सकता है। तो इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप यहाँ पे आ रहे हैं। तो जिस भी नाम से आपके फ़ोन में ये आ रहा है इसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आएगा यहाँ पे डायलर, यानी कि आपके मोबाइल का फ़ोन ऐप। तो डायलर यहाँ पे फ़ोन के नाम से आएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे फ़ोन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नीचे फोर्स स्टॉप आएगा, इस पे क्लिक करिए। ओके करिए। ऊपर स्टोरेज पे क्लिक करिए। नीचे आएगा क्लियर डेटा, इस पे क्लिक करिए। उसके बाद आएगा क्लियर ऑल डेटा, इस पे क्लिक करिए और ओके करिए। उसके बाद बैक आइए, नीचे आकर आएगा नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। ऊपर आएगा शो नोटिफिकेशन या फिर अलाउ नोटिफिकेशन। अगर आपका ये ऑन नहीं है तो यहाँ से इसे चालू करिए, ऑन करिए। इसे ऑन करने के बाद ये जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं ये सारे ऑप्शन ऑन करिए। और उसके बाद आपको बैक आना है, फिर से बैक आइए। फ़ोन के नीचे आएगा फ़ोन सर्विसेज, इस पे क्लिक करिए। नीचे फोर्स स्टॉप करिए। उसके बाद स्टोरेज पे क्लिक करिए, क्लियर डेटा करिए और ओके करिए। उसके बाद बैक आइए, फिर से बैक आइए। अब चेक करिए, फ़ोन को रीस्टार्ट करके आपका कॉल डिस्प्ले पर आना शुरू हो गया है। बट अगर आपका कॉल डिस्प्ले पर नहीं आता है तो मैनेज ऐप्स ओपन करने के बाद ऊपर राइट साइड में इन तीन डॉट पे क्लिक करिए। उसके बाद आएगा रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस, इस पे क्लिक करिए। नीचे रीसेट ऐप्स आएगा, इस पे क्लिक करिए। ये करने से कोई आपका डेटा, कोई ऐप डिलीट नहीं होगा। बस आपकी ये जो प्रॉब्लम है कॉल डिस्प्ले पर नहीं आता है वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से 100% आप अपनी ये प्रॉब्लम ठीक करें। तो हमने रीसेट ऐप्स पहले से कर लिया है तो हम इसे नहीं कर रहे हैं। तो इसे करने के बाद आपका कॉल डिस्प्ले पर आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।